आज से हाईवे पर माल ढुलाई का अंदाज भी बदलने वाला है। राज्यों के बॉर्डर पर चुंगी चुकाने के लिए लगने वाले ट्रकों की लंबी कतारें भी अब बीते दिनों की बात होने जा रही है। इतना ही नहीं, टैक्स चोरी का स्कोप भी लगभग खत्म होने वाला है और सरकार की आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये सब मुमकिन होगा ई वे बिल के लागू होने से। जी हाँ, आज से इंटर स्टेट यानी कि राज्यों के बीच ई वे बिल लागू हो चुका है। टैक्स रिफॉर्म की दिशा में सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे यानी ई वे बिल लागू होने जा रहा है। अब राज्य में बाहर से माल मंगाना या भेजना ऑनलाइन ई वे बिल से ही मुमकिन हो पाएगा। पहले ई वे बिल लागू होने की तारीख 1 फरवरी तय की गई थी, लेकिन जीएसटी नेटवर्क क्रैश करने से सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दी। सरकार का दावा है कि अब ई वे बिल लागू करने के लिए सिस्टम पूरी तरह तैयार है और तरीका बेहद आसान है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए GSTIN का इस्तेमाल कर ई वे बिल GST.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। ई वे बिल की जरूरत तभी पड़ेगी जब माल टैक्स मिलाकर 50,000 से ज्यादा का होगा। अगर वाहन में इंडिविजुअल कंसाइनमेंट 50,000 से कम है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। कंसाइनमेंट को स्वीकार करने या खारिज करने की समय सीमा ई वे बिल का वैलिडिटी समय या 72 घंटे होगी। रेल, विमान या पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन में रजिस्टर्ड सप्लायर या प्राप्तकर्ता ही ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। बिल को डिलीवरी के समय दिखाना जरूरी होगा। ई वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन में 100 किलोमीटर होगी। 100 किलोमीटर से ऊपर दूसरा दिन गिना जाएगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारी चेक पोस्टों पर बिल और माल की चेकिंग कर सकेंगे। अगर कोई व्यापारी या ट्रांसपोर्टर बिना ई वे बिल के माल ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। फरवरी में GSTIN क्रैश होने के बाद ट्रांसपोर्टरों में अब भी कुछ दुविधा है। 1 अप्रैल से सरकार फिर ई वे बिल लागू करने जा रही है। 75 लाख द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द ई वे बिल पर डे, लेकिन हमारा अनुमान यह है कि प्रतिदिन जो आवश्यक है, जो रिक्वायरमेंट विल बी अराउंड 1.5 crores to 2 crores पर डे। सो किस तरह ये काम करेगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ई वे बिल लागू होने से माल तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। अभी कई बार केंद्रीय और राज्य सरकारों के सेल्स टैक्स एक्साइज विभाग के अफसर घंटों वाहन रोक लेते थे। ई वे बिल लागू होने के बाद अगर अफसर ने माल लदे वाहन को आधे घंटे से ज्यादा रोका तो उसे जवाब देना होगा। ई वे बिल लागू होने से टैक्स चोरी रुकने, टैक्स बेस बढ़ने और सरकार के रेवेन्यू में 15 से 20% बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल इंटरस्टेट ई वे बिल लागू किया गया है। सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद ई वे बिल पोर्टल पर अब तक करीब 11 लाख कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अंतिम समय में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन की उम्मीद की जा रही है। GST के तहत 1.5 करोड़ व्यवसाय रजिस्टर्ड हैं और करीब 70 लाख ने रिटर्न दाखिल किया है। मुंबई से राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली से आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।